अनुष्का बीसीएन न्यूज की चुनावी महासंग्राम 2024 में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सबको पता है लोकसभा चुनाव की रेनभेरी जो है बच चुकी है। लोकसभा 2024 के लिए जो है बीजेपी ने 400 पार का नारा भी दिया है और उसी श्रृंखला में आज हम जो है चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में से जो प्रत्याशी है सुधीर मुनगंटीवार, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो प्रचार प्रसार में जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी उम्मीदवार हैं, सभी पार्टियां अपने प्रचार में लग चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चुनावी महासंग्राम में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बल्लारशाह विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक रह चुके हो और चंद्रपुर और बल्लारशाह ये जो है आपको कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सीधा मुकाबला जो है आपका प्रतिभा धानोरकर इनसे है और उनके जो पति है वो गुजर चुके हैं, वो यहाँ से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और वो खुद एक विधायक है, तो ऐसे में कैसे देखते हो आप इस मुकाबले? मेरा महासंग्राम या मेरा कोई चुनाव का मुकाबला किसी कांग्रेस पार्टी से नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के प्रगति के लिए, विकास के लिए, इस देश का गौरव विश्व में बढ़ाने के लिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ। मतदाताओं के अपने भविष्य का निर्णय करना है कि उन्हें भविष्य कैसा चाहिए। मैं पहली बार तो खड़ा नहीं हूँ, मैंने काम किया है, वो भी पहली बार खड़े नहीं है, वो भी यहाँ पे चुनाव में चुन के आए, लोकसभा चुन के आए, विधानसभा चुन के, तो काम की कंपैरिजन होनी चाहिए। बिल्कुल, हम छोटी वस्तु भी जब खरीदते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि ये कितना वर्ष काम करेगी, कितना वर्ष काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों पर हमें छोड़ देना चाहिए उनके सदविवेक बुद्धि पे, क्योंकि मेरा मुकाबला जनता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए। मेरा संग्राम मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, मेरा मुकाबला गरीबी के निर्मूलन के लिए जो लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं उस लड़ाई का एक सैनिक के नाते काम करने के लिए। तो हमारे दो उम्मीदवारों की लड़ाई कहाँ है? ये उम्मीदवारों की लड़ाई ना होते, विचारों की लड़ाई है। कांग्रेस का विचार है परिवारवाद का, ये कांग्रेस का विचार है तुष्टिकरण का, ये कांग्रेस का विचार है जाति जाति में भेद निर्माण करने। एक हमारा विचार है कि हम सब एक है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाजों को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। आप परिवारवाद के लिए काम करते हो, हम कहते ही नहीं, हमारा देश हमारा परिवारवाद है। और इसीलिए मोदी जी ने एक सेकंड में लाल दिए की गाड़ी का मोह हटा दिया, लाल दिए हटा दिए, लाल रक्त के इंसान पे काम करने वाली ये पार्टी होनी चाहिए, ये भाव व्यक्त किया। एक नेता है जिन्होंने देश के लिए परिवार का त्याग किया, दूसरे नेता ने अपने परिवार को बसाने के लिए देश का त्याग किया, तो लोगों के सामने फर्क। बिल्कुल, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आपकी विकास की परिभाषा क्या है? देखो, विकास ऐसा है सर्वंकष होना चाहिए, पायाभूत सुविधाओं का विकास हो, कृषि क्षेत्र की पायाभूत सुविधाओं का विकास हो, यहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छा आरोग्य, अच्छे रोजगार की संधियां, उद्योग, सुरक्षा की व्यवस्था। नहीं तो हम माफिया राज में जा रहे और मकान मिल रहा है, उसमें फायदा क्या है? बिल्कुल, माफिया राज, गुंडा राज, ये नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में विषय क्या था, इतना गुंडा राज बढ़ गया था, बाद में आप देखते हो कि उस गुंडा राज की वजह से आज उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी जी काम करते है क्या लोगों के चेहरों में खुशी। तो मुझे लगता है कि माफिया राज से मुक्ति, गुंडा राज से मुक्ति, हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र में अच्छा हो, रोजगार अच्छे हो, उद्योग अच्छे हो, सिंचन व्यवस्था अच्छी हो, आरोग्य अच्छा हो, ये क्षेत्र पे हमें प्रगति करनी चाहिए, जो मैंने चंद्रपुर में कर बताया। जैसे मैंने कृषि क्षेत्र में 5001 यहाँ पे बांधन रस्ते, 5000 किलोमीटर बांधन रस्ते का काम शुरू किया, 150 करोड़ का कृषि महाविद्यालय हमारा शुरू है, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अभी अत्याधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था मजेपुर के पास 15 करोड़ हमने CSR से लाए, इसके पहले टाटा ट्रस्ट के साथ 90 गांवों को हमने डेवलपमेंट आराखड़ा तैयार किया, BVG के माध्यम से हमने एक ही खेत में आधा BVG और आधा पारंपरिक, तो उसकी डेवलपमेंट का हमने काम किया। सिंचन में हमने चिजडोह पूरा किया, सिंचन में हमने चिचागा पूरा किया, अजाव आमड़ी किया, शूनी चोर किया, अभी भंडारा हो रहा है, डिंडोरा हो रहा है, वर्धा नदी में बैरेजेस बना रहे हैं, कई
मालगुजारी तगाव, जो माजी मालगुजारी तगाव था, कभी 2 कोटी 5 कोटी आते थे, अभी मैं 150-200 कोटी रुपए देके उसका पानी का सोर्स है वो अच्छे ढंग से बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं। हमने आरोग्य में मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, अभी मुर के उपजगा रुग्णालय बना के 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। हमने उम्बुरना में ग्रामीण रुग्णालय बना दिया, अभी घुग्गुस का ग्रामीण रुग्णालय चालू है, ज्योति का ग्रामीण रुग्णालय चालू है। हमने यहाँ पे कई जगह पे पीएससी सेंटर आधे अधूरे पड़े थे या पुराने हुए थे, 14-14 करोड़ के महाराष्ट्र के सबसे अच्छे पीएससी सेंटर ये हमारे पास है, जगह भरी नहीं जाती थी, अब जगह भर दी है। तो मुझे लगता है कि आरोग्य में हमने काम किया, एजुकेशन में जो आपने देखा गोंडवाना विद्यापीठ हो, SNDT यूनिवर्सिटी हो, लड़कियों के अगर कॉलेजेस हो, कई सुविधाएं दी। जिला परिषद के 1500 स्कूल में रनिंग की, 400 ISO आंगनबाड़ी बनाई। हमें लगता है कि एजुकेशन में हमने काम करने की कोशिश की, उसमें अच्छा हमें मिले। हमने आरोग्य अच्छा होने के लिए कई जिम बनाए जो अत्याधुनिक है। आज आप पुलिस का जिम जाके देखोगे, पूरे महाराष्ट्र में पुलिस महासंचालक आके गए, ऐसा जिम तो महाराष्ट्र में पुलिस विभाग के पास नहीं है। आप आरोग्य के साथ क्रीड़ा क्षेत्र में देखो, महाराष्ट्र में सिंथेटिक ट्रैक कई है, स्मार्ट सिंथेटिक ट्रैक सिर्फ 3 है, वो भी चंद्रपुर में। सैनिक स्कूल जाइए, अप्रतिम देश की सैनिक स्कूल, बोटनिकल गार्डन जाइए, अप्रतिम बोटनिकल गार्डन, वन अकादमी देखिए, BRTC देखिए, कैंसर हॉस्पिटल देखिए। तो हमने हर सेक्टर में काम करने की कोशिश की। बिल्कुल, कांग्रेस के जो बाळू धानोरकर थे वो एक ऐसे सांसद थे कि कांग्रेस के सांसद उन्हें यहाँ से चुन के आने का मौका मिला था, तो उसका असर जो है इस चुनाव पर भी दिखेगा क्या, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक ऐसी घटना होने के बाद बार बार गाड़ी चलाते हुए ऐसा जैसा बार बार गलती थोड़ी होने वाली है। एक बार उस समय कुछ राजेंद्र माड़ो खड़े हुए हैं, उन्होंने 1,23,000 वोट लिए, अब वो हमारे साथ जुड़ गए। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार, तो हम तो 4 बार चुन के आए, तो इसके पहले तो हम 4 बार इस लोकसभा से चुन के आए। आपने अभी प्रतिभा धानोरकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, वो उनके रोने को लेकर, कि अगर आप रोने पर जाओगे तो अगले 5 साल आपको रोना पड़ेगा, तो ये सब कैसे देखते हो? नहीं, मैंने विकास पे चुनाव होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? चुनाव तो विकास पे होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरे अरमा आंसुओं में बह गए ऐसा चुनाव होता है क्या? चंद्रपुर लोकसभा में क्या जातीय राजकारण का मतलब एक समीकरण दिखता है, आप प्रचार कर रहे हो? देखो मुझे पता नहीं, अपने अपने हिसाब से हर कोई सोचेगा, मैं सोचता हूँ देश के लिए। मैं रास्ता बनाता हूँ, उसमें कोई ऐसे व्हाइट पट्टी डाल के नहीं रखता हूँ कि इससे ये जात का चले उससे वो जात का चले। जब मैं मेडिकल कॉलेज बनाता हूँ तो मेडिकल कॉलेज में ये बेड इसके लिए आरक्षित, वो बेड उसके लिए आरक्षित, ये धंधा बन गया। SNDT यूनिवर्सिटी 600 करोड़ खर्च करके बन रही है, उसमें ये आरक्षण नहीं है कि ये विद्यार्थी नहीं है, चाहिए ये नहीं। अपनी अपनी सोच है, कोई शॉर्टकट सोचता है, मैं शॉर्टकट नहीं सोचता हूँ। मैं विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के घटना में समता ममता बंधुत्व बताई। देखो जात किसी के हाथ में नहीं है, कोई जन्म लेते समय ऑनलाइन बुकिंग करके जात नहीं लेता है कि इस जात में मैं जन्म हुआ, वो तो भगवान जात में कहाँ पैदा करना है वो करता है। और दैनंदिन जीवन में हम कहाँ जात कर रहे कि मेरे जात का है तो मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरे जात का है तो मैं होटल के रेस्टोरेंट में जाके बटाटा वड़ा खाऊंगा, मेरे जात का ड्राइवर है तो मैं बस में बैठूंगा, मेरे जात का डॉक्टर है तो मैं पेशेंट रहने के बाद उसके पास दवाई लूंगा, अगर मेरे जात का प्राध्यापक है तो ही मैं मेरे बच्चे को पढ़ने भेजूंगा, ऐसा होता है क्या? तो वहाँ कहीं जात नहीं है भैया, मतलब चंद्रपुर में जो है जातीय समीकरण का राजकारण। आपको लगता है कि मैं पूछ रहा हूँ? मेरा सवाल आपसे ही था, आपको मैं आपको पूछ रहा हूँ, जब कहीं जात नहीं है तो चुनाव में ही जात कहाँ से आती है? चुनाव में ही क्यों जात आती है? कोई ऐसा कहता है कि मेरा बॉस मेरे जात का होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो टेबल छोड़ के भाग जाऊंगा, चुनाव में कहां से जाता है। बिल्कुल, चंद्रपुर में आप प्रचार कर रहे हो और आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वो खुद यहां सभा के लिए आने वाले हैं, तो क्या आपके जो प्रत्याशी है वो इतने तगड़े है कि खुद मोदी जी यहाँ आकर सभा लेने वाले हैं? देखो ऐसा है कि लोकसभा की टिकट ये मोदी जी ने पूरे देश में अगर किसी को विशेष रूप से दी है तो मुझे दी है। उन्होंने आग्रह किया कि आपको देश के लिए लड़ना होगा, तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे आग्रह से जो कैंडिडेट खड़ा है उसके जन आशीर्वाद के लिए मैं आऊं, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरे चुनाव में आकर वो जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगेंगे,
ये तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। बिल्कुल, चंद्रपुर के लिए आपने कई कार्य किए, उसमें से एक ताड़ोबा फेस्टिवल जो कि हाल ही में हुआ है, ऐसे कौन से और भी कार्य आप चंद्रपुर वासियों के लिए करना चाहोगे अगर चुनकर? मैंने एडवांटेज चंद्रपुर भी किया। एडवांटेज चंद्रपुर में देश के कई छोटे राज्य जो नहीं कर पाते वो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में किया। 75,000 करोड़ से ज्यादा एमओयू किए। मैंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, मैंने मिशन जय किसान की योजना बनाई। मेरे पास कई योजनाएं मैंने बनाई है। अगर मैं अभी चुन कर आऊं तो मुझे तो पूरे आर्मी से ज्यूती तक मुझे सारी सिंचन व्यवस्था है, आरोग्य सुविधा है, संवाद के लिए अभी तो मैंने काम भी शुरू किया। मैंने आर्मी पांडरकोड़ा घाटन जी में तो अभी मैं सांस्कृतिक सभागृह बनाने के लिए मैंने उसका काम भी शुरू किया चुनाव में ही। कृषि भवन बनाने के लिए मैंने बताया जिलाधिकारी यवतमाल को। तो मेरा ये होगा कि हमारे यहाँ पे सभी सुविधाओं के साथ, वो चाहे किसान हो गरीब हो, जैसे अभी चंद्रपुर में मैं 10,000 मकान गरीबों के लिए बना रहा हूँ, केंद्र में मेरा प्रस्ताव गया। अब वो केंद्र के प्रस्ताव में तो अब मैं खुद ही जाके सुझाऊंगा, 10,000 मकान बना जिसमें 2.5 लाख केंद्र राज्य के, 2 लाख बांधकाम कामगार के, और मैं WCL के रिटायर्ड लोगों के लिए मैंने WCL के साथ बात की है और आगे उसको प्रस्ताव बना के मंजूरी दूंगा। मैं ऐसे कई समाज के वर्गों को, जैसे अभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति है, अब उनसे अभी मैंने वहां पे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिल गया, ऑटो चालकों को मैंने सबसे सस्ते घर चंद्रपुर में दिए। अभी आप वहां जाके आइए, वहां की महिलाएं आपको जवाब देगी, ऑटो चालकों की धर्म पत्नियां कि उनके लिए कितना अच्छा काम है। अभी ऑटो चालक के कल्याण के लिए महामंडल को मैंने 50 करोड़ देके महामंडल की शुरुआत करवाई। 2018 में मैंने बजट में घोषणा की थी, उसके बाद उद्धव जी की अपने महाराष्ट्र के बड़े दुर्दैव का वो काल था, उनकी सरकार है। तो मुझे लगता है ऐसी कई योजनाएं मेरे पास है, जिस योजनाओं के आधार पे मैं हमारे लोकसभा में देश में सबसे अच्छा काम। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि दूसरे पार्टी से जो है भाजपा में बहुत सारे लोगों का आना शुरू है, और लोकसभा के पूर्व भी कई बड़े चेहरे जो है भाजपा में आए हैं, तो चंद्रपुर से भी कई बड़े चेहरे या कुछ पदाधिकारी जो है बहुत लोग आए। अभी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री प्रकाश देवता, अभी हमारे पार्टी में आए। मनोहर कोनकर जिला बैंक के अध्यक्ष थे, वो अभी आए। आचार्य अहिंचवार जो एक जमाने में शांताराम कुर्दुके जी जो इस देश के अर्थ राज्य मंत्री थे, उनके बहुत नजदीक थे, आज अभी पार्टी में आए। ऐसे कई जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का झंडा हाथ में लेके तेरा वैभव अमर रहे हम भी जाप रहना रहिए भाव से, भाजपा के विचारों से जनता तक पहुंचने के लिए आते हैं। कोई बड़े नेता के आसार है आने है, मगर कभी भी कोई बड़े नेता का नाम शिष्टाचार है, जब तक वो आते नहीं तब तक कभी ओपन नहीं करना। शिष्टाचार, ये शिष्टाचार का पालन में हमेशा करते आए हम, कई बड़े नेता है। बिल्कुल, आपके सपनों का चंद्रपुर, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कैसा होगा? देखो, मैंने कहा कि मेरा लोकसभा क्षेत्र ये सभी बातों में स्वयंपूर्ण होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम सभी बातों के MSME के माध्यम से क्लस्टर, छोटे उद्योग, राइस क्लस्टर है, फ्लैश क्लस्टर है, आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो योजना है क्लस्टर की, उसके माध्यम से हम खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े उद्योग तो आएंगे, मगर विशेष रूप से प्रदूषण मुक्ति हमारा एक आह्वान। बिल्कुल, फिर किसानों के लिए सिंचन की व्यवस्था है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे सिंचन की व्यवस्थाओं का अभाव है, उसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। शिक्षा है, शिक्षा में जैसे अभी मैंने हमारे संजय रामवीर भी यहाँ बैठे, अभी सामने ही बैठे, शिक्षा के लिए अभी भाइयों से मैं चर्चा कर रहा था। तो सभी शिक्षा का एक जमाना था जब हमारे पास तांत्रिक उपलब्धताएं नहीं थी, तो कोई फिजिक्स का प्राध्यापक फिजिक्स पढ़ाता तो एक क्लासरूम में पढ़ाता था, अब एक फिजिक्स का प्राध्यापक 100 क्लासरूम में पढ़ा सकता है। तो एक पार्थ करके नवी मुंबई के पास एक किसी ने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट की है, वहां पे अगर एक प्राध्यापक खड़ा होगा तो पूरे जिले के फिजिक्स के पूरे रूम्स में या कोई स्टूडेंट अपने मोबाइल में भी सीख सके घर में बैठ कर। अभी हमने देखा कि IT में हम बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, अब एजुकेशन फ्रॉम होम, ये कंसेप्ट भी धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा। और इतना ही नहीं, मुझे आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि हम
टेक्नोलॉजी में एआई का उपयोग करके बहुत आगे जाएंगे। दुनिया शायद घूमने के लिए बड़ी है मगर समझने के लिए मिनट की होगी। बिल्कुल, चंद्रपुर के प्रदूषण की बात अभी आपने की, ये सभी को पता है कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करना चाहोगे उसके लिए? देखो, मैंने तो महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम किया है इस दृष्टिकोण से, जिसकी सराहना कई देशों ने की। हमने यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करते हुए लोक आंदोलन खड़ा किया, 50 करोड़ ट्री प्लांट हमने किए, एक सत्याग्रह के रूप में लोगों ने हाथ में लिया। और मेरा ये इसमें इच्छा थी कि आंदोलन हो, ये सरकारी काम ना हो। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2550 स्क्वायर किलोमीटर से महाराष्ट्र का ग्रीन कवर बढ़ा, जो देश में सबसे ज्यादा है, 104 स्क्वायर किलोमीटर से मैंग्रोव कांदावन का क्षेत्र बढ़ा, जिसके बारे में हमारी बहन निर्मला सीतारामन जी ने अब देश में कांदावन के हमारे फाउंडेशन का स्वरूप जो है वो एक्सेप्ट किया। आपने देखा होगा कि मन की बात में विश्व गौरव नरेंद्र मोदी ने हमारे ताडोबा का उल्लेख किया, 250 टाइगर, अभी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा। तो हमारे ये मैनेजमेंट, इसके बारे में जो तारीफ होती है, अभी मैंने FIDC शुरू की, ये भी अपने आप में एक नई कल्पना थी, फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिस FIDC के माध्यम से हम वन से रोजगार तक, वन से धन तक, जंगल से जीवन के मंगल तक, ये सोच को लेके हम जा रहे हैं। जहाँ बाम्बू प्रशिक्षण के लिए हमने BRTC खोली है, सिंगापुर के कॉन्सुलेट जनरल आके गए, जिन्होंने कहा कि ये आशिया में ऐसी संस्थाएं बननी चाहिए जो पर्यावरण और रोजगार इसके साथ सस्टेनेबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। तो मुझे वहां पे भी उन्होंने निमंत्रित किया, लेटर देके तो मैं जाऊंगा वहां पे। बिल्कुल, आप वन विभाग के मंत्री हो महाराष्ट्र राज्य के, अगर आप केंद्र में जाते हो तो वन के लिए, वन विभाग के लिए आप क्या करना चाहोगे? बहुत सारी योजना है, मेरी किताबें कई राज्यों में आजकल हैंडबुक करके वापस जाती है, जिसमें 99 कदम है, 33 कदम है, अभी हम उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो हमें कई देशों ने भी मान ली। मुझे आसाम में आशिया के सभी रेंजर्स को वहां बुलाया गया था, आशिया के और सभी रेंजर्स को बुला के वहां पे कार्यक्रम हुआ, और वो रेंजर्स कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया गया था कि सुधीर मुनगंटीवार जी ने जो किताब इस विषय में लिखी है कि हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, ये बड़े अभ्यास के लिए है। और वहाँ पे मेरी आसाम के मंत्री, आसाम के वहाँ पे सेक्रेटरी, इन्होंने सब इस बात का उल्लेख किया, तो अभी मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हमारी किताबें आजकल हैंडबुक करके वापरी जाती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल कि आप हमारे माध्यम से जनता को, आपके लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहोगे, क्या आह्वान करना चाहोगे? सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम अधर्म, विकास बनाम विनाश, प्रगति बनाम अधोगति, और राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, आपको चयन करना है नरेंद्र मोदी का, आपको चयन करना है सत्य का, धर्म का, विकास का, प्रगति का, और इस प्रगति का एक ही माध्यम है, मत बोल कमल का बोल, कमल आएगा तो ही विकास हो पाएगा, और इसलिए आप कमल की चिन्ह की बटन दबाकर आपका वोट मोदी जी को दीजिए, देश के प्रगतों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे कीमती समय निकाल कर बातचीत की और लोकसभा के चुनावी महासंग्राम में इतनी सारी जानकारी साझा की। आज के चुनावी महासंग्राम 2024 में वक्त चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।